हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार बघेल है और मैं लाहौर जिला भिंड से बिलोंग करता हूँ। और मेरी बेसिक एजुकेशन मैंने यहीं लाहौर से की है। और 2017 में मैं भी एमपी पुलिस के लिए कैंडिडेट था और मैंने तैयारी की और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्रैक किया, जिसमें मेरे 86 मार्क्स थे। वर्तमान में मैं थाना पंडोकर जिला दतिया में पदस्थ हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने एमपी पुलिस सन 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया था और उनकी ऑल एमपी रैंक 152 थी। तो जानते हैं राजकुमार सर से कैसी तैयारी की थी और उनका मोटिवेशनल का सोर्स क्या था। दोस्तों, मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी यहीं लाहौर से रविंद्र दीक्षित सर और अपेक्स कोचिंग से की है। और हाँ तो सर, आपका मोटिवेशनल का सोर्स क्या रहा था। दरअसल क्या है कि मैं बचपन से ही एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ फोर्स का बहुत क्रेज़ है। और मैं जब भी किसी पर्सन को वर्दी में देखता था तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे भी आगे चल के बस इस तरह की वर्दी पहननी है और मुझे मतलब एक देश के लिए, समाज के लिए थोड़ा अच्छा सा कुछ काम कर रहे हैं। हाँ सर, तो क्या है कि व्यापम में मैथ ज्यादा आता है, तो आपने मैथ की तैयारी कहाँ से की थी। सर, मैं बता चुका हूँ कि मैंने यहीं लाहौर से तैयारी की है। और मैथ के लिए सर मैंने क्या किया, जब मैंने देखा देखा जो एमपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे तो मैंने उनको एनालिसिस किया और मैंने देखा कि उसमें ज़्यादातर सवाल जो थे वो कैलकुलेशन के ऊपर थे। नंबर सिस्टम हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ और स्क्वायर रूट, क्यूब, कर्नूल, तो मैंने इन पे काम किया। और उसके बाद मैंने उनको जो प्रैक्टिस सेट थे यानी सॉल्व सॉल्व क्वेश्चन पेपर थे, मैंने उनको सॉल्व किया। और मैंने देखा कि जिस चैप्टर से मान लो कोई सवाल गलत हो रहा था मेरा, मैंने उस चैप्टर पे काम किया, सब्जेक्ट पे काम किया। और उसके बाद मैंने अगला मॉक लगाया तो मेरा उसमें जो एक मतलब अच्छा रिजल्ट रहा। तो इसी तरह मतलब मैं अपना करता रहा कि जो लास्ट लास्ट ईयर के पेपर्स थे मैंने उनको सॉल्व करता रहा। और इस हिसाब हाँ सर, तो क्या मैथ तो हो गया, लेकिन आपने रीजनिंग की तैयारी कहाँ से की। सर, जैसे कि आपको पता ही है कि रीजनिंग तो मेरे हिसाब से या सबके हिसाब से सरल ही होती है। और मैंने रीजनिंग को एक बार दीक्षित सर से मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में मैंने जो प्रीवियस ईयर की आई हुई थी रीजनिंग थी उसी को मैंने सॉल्व किया और लगभग मेरे सारे क्वेश्चन बन जा रहे थे। तो मैंने रीजनिंग के लिए कोई विशेष मतलब वो नहीं किया, तो एक बार खत्म करने के बाद में हो गया रीजनिंग। हाँ सर, तो क्या मैथ और रीजनिंग तो हो गई, तो आपने साइंस की कहाँ से तैयारी की। सर मैंने साइंस के लिए कोई विशेष तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने लूसेंट की जो साइंस थी उसी को मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद जो था उसी से हो गया। हाँ सर, तो क्या है कि आपने मैथ, रीजनिंग और साइंस के बारे में बता दिया है, लेकिन एमपी जी के आपने कहाँ से कवर की। सर मैंने एमपी जीके के लिए एक महावीर पब्लिकेशन की बुक आती है उसको मैंने मतलब दो तीन बार अच्छे से रिवीजन किया और मेरा मानना है कि उसमें से पूरा फंस गया था एमपी जीके। और बैपम का जितने भी एग्जाम होते हैं मेरे हिसाब से एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, बाकी एमपी जीके जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे उसमें से मेरे हिसाब से फंस जाते हैं। हाँ सर, तो आपने जीके और करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार की। जीके के लिए सर मैंने लूसेंट से कवर किया, जिसमें मैंने एक दो क्वेश्चन विविध से भी आए थे और विविध के अलावा एक दो क्वेश्चन जियोग्राफी से, एक दो हिस्ट्री से थे। तो मैंने मतलब जीके तो लूसेंट से किया था और जो करंट आ रहा था तो मैंने करंट तो यूट्यूब से ही मतलब रैंडमली कर लिया था ऐसे। हाँ सर, तो आपने मॉक टेस्ट कहाँ पर दिए थे। सर मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट है जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन पेपर है और मैंने उन्हीं को लगाया, तो मैंने मेरे हिसाब से और मैंने उनको मतलब नहीं तैयार किया। सर, तो आपने एग्जाम की रणनीति कैसी थी, आपने कैसे एग्जाम क्वालिफाइड किया था, कैसे निकाल दिया था। सर क्या है कि मैंने बताया कि मैंने प्रीवियस पेपर देखे और मैंने देखा जो क्वेश्चन आए हुए थे जिस सब्जेक्ट से या जिस पोर्शन सब्जेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था मैंने वो सारे मतलब सब्जेक्ट कवर किए और चैप्टर कवर किए। और उसके बाद में जब मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट हुए और किस्मत से मेरा एग्ज़ाम मिड में पड़ गया, लगभग ये मान लो कि 15 एग्ज़ाम होने के 15 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने क्या किया कि जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो मैंने उनका एनालिसिस देखा और एनालिसिस देखा तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जब मैं पेपर देने गया, एग्ज़ाम देने गया तो सर मैंने मतलब जब एग्ज़ाम हॉल में गया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हड़बड़ाहट रहती है। और लेकिन मैंने जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा तो मैंने पेपर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मैं 1 से लेकर 100 तक मैंने सारे क्वेश्चन देखे और जो मेरे से बन रहे थे तो मैंने उनको बनाया। लगभग मेरे 70 क्वेश्चन बन गए थे और जो 30 क्वेश्चन बचे हुए थे उसमें से मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑप्शन से बन गए और 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं पहले नहीं बने थे लेकिन बाद में थोड़ा टाइम दिया तो बन गए वो। और बाकी नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं इस एग्ज़ाम में तो मैंने बाकी को तुक्का लगा दिया। तो
उसके बाद मैंने जब सबमिट किया तो मैंने देखा 86, और एक जो अंदर जो खुशी आई वो एक मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो एक अलग ही खुशी थी। सर तो आपके 86 नंबर आए थे, तो आप एक हद तक मतलब कि खुश थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतने नंबर पर। उसके बाद आपने फिजिकली तैयारी कैसे की? हाँ सर, मैंने जैसे मेरे मार्क्स शो हुए तो मुझे अच्छा लगा, और मतलब मैंने घर पे आके सबको दोस्तों को बताया तो मतलब एक खुशी का माहौल हुआ। लेकिन फिर उसके बाद तैयारी, फिजिकल तैयारी की बात आती है, तो मैंने लार से ही, एक सर हैं अपने सूरत डिफेंस अकेडमी, इनकी थी जो आर्मी से रिटायर थे, उन्होंने मतलब मुझे रनिंग की और लॉन्ग जंप की और गोला फेंक, तो मेरा मतलब स्टार्ट से तीनों में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मेरी पूरी क्लियर हो रही पहली बार में। लेकिन जब उन्होंने मैंने उनके साथ में प्रैक्टिस की और कुछ समय मैंने ग्राउंड में बिताया तो थोड़ा हालांकि दिक्कत आई मुझे, लेकिन पर धीरे धीरे जब टाइम कम होने लगा तो अंदर से लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में मैंने रनिंग, और रनिंग के बाद में गोला फेंक और लंबी कूद, धीरे धीरे मेरी सारी चीज़ होने लगी। और जब मैंने जब फाइनल, जब मैं एग्ज़ाम मतलब फिजिकल मेरा था 10 दिसंबर को, पहले दिन था मेरा फिजिकल था, तो मैंने जब उसके एक दिन 2 दिन पहले जब मैं मतलब एक मॉक टाइप का देख गया था, वो सर थे वो मॉक लेते थे, तो उसमें मेरी रनिंग भी बहुत अच्छा टाइमिंग था, 2:28 2:25 मिनट ऐसा कुछ मेरा टाइम आता था उस टाइम, और गोला फेंक मेरा लगभग 21 फिट के आसपास ही गिरता था, और लॉन्ग जंप 15-16 फिट लॉन्ग जंप भी होने लगी थी। जब मैं फिजिकल देने गया तो मेरी रनिंग 2:28 2:28 सेकंड में निकली थी, और गोला जरूर मेरा उतना ही गिरा था, शायद 20 के आसपास ही था, और लॉन्ग जंप भी मेरी मतलब फर्स्ट अटैम्प में फॉल हो गया था, लेकिन सेकेंड अटैम्प मैंने उसको क्लियर कर दिया था। हाँ सर, तो जैसे कि 2023 में जो वैकेंसी आई है, वो स्टूडेंट की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कैसे तैयारी करें वो? सर अभी जो 2023 में जो वैकेंसी आई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, और हर मतलब कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा ही है, हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबका सिलेक्शन हो जाए। बट जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए यही होगी कि सबसे पहले आप जाइए जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, आप उनकी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले आइए, और उसमें सबसे पहले देखिए कि उसमें पेपर का लेवल क्या था। ऐसा नहीं, समय बहुत कम है, अब आप अगर मान लो एक क्वेश्चन का लेवल अगर तुम ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं इतना समय है नहीं कि सिलेबस तुम पूरा कवर कर लो, और वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले पेपर का लेवल देखें, और क्वेश्चन का जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं उस चैप्टर को पहले ख़त्म करें, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग, दोनों के लिए सेम है, जिस चैप्टर से आए हैं उसको ख़त्म करें। और उसके बाद में फिर आती है बारी एनालिसिस की, उसके बाद में अपन एग्ज़ाम होते हैं तो थोड़ा एनालिसिस करने से अपन को प्रॉफिट होता है, और एनालिसिस को भी देखने से सीधी सीधी बात है कि लाभ होता है। अच्छा, और इस बार एक और बदलाव किया है, मतलब इस बार क्या है कि फिजिकल के भी नंबर हैं, तो इस बार क्या है कि जो मैट बनेगी तो वो 200 से बनेगी, तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों का मतलब फिजिकल कमज़ोर है तो उन्हें थोड़ा सा क्या है कि फिजिकल पे अभी से स्टार्ट, थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का 1 आध घंटे फिजिकल को भी देना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो एकदम से रिटर्न के बाद में मान लो समय ज़्यादा नहीं दिया तो दिक्कत उनकी, जिनका फिजिकल कमज़ोर है तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हाँ सर, तो आपको वर्दी में रहकर कैसा महसूस हो रहा है? सीधी सी बात है, मैंने मतलब वर्दी का जैसे मुझे शुरू से ही शौक था कि मुझे मतलब आगे चल के वर्दी की जॉब करनी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैं अभी पंडोगा थाने पदस्थ हूँ, तो जब गांव में जाता हूँ मान लो तो हर गांव मतलब एक पुलिस के लिए एक विशेष वो रहती है, हर व्यक्ति थोड़ा सा रुचि लेता है, और मतलब कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि, और हर दिन एक नया टास्क रहता है, मतलब शाम को मान लो मैंने कुछ और ड्यूटी की है तो सुबह कुछ और, मतलब हर दिन एक नई टास्क। हाँ सर, तो अभी आप एमपी पुलिस में तैनात हैं, तो आपके इसके अलावा आगे क्या लक्ष्य हैं? मैं थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं कंपटीशन जुड़ा हुआ हूँ, अभी मैंने एक दो एग्ज़ाम भी दिए थे, ऐसे UPSI का दिया था जिसमें मेरा रिटर्न तो क्लियर हो गया था, पर किसी कारणवश से मैं फाइनलिस्ट से बाहर हो गया। और उसके बाद मैंने अभी एक पटवारी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 140 मार्क्स हैं, और उसके अलावा बस कंपटीशन अभी जारी है। वैसे मेरा मैं बता देता हूँ कि वैसे मेरा फाइनल टारगेट MP सन इंस्पेक्टर ही है, और मैं उसमें निरंतर लगा हुआ हूँ, वैकेंसी का इंतजार मुझे। हाँ सर, तो कुछ मोटिवेशनल दीजिए आप स्टूडेंटों को। अब मेरे हिसाब से मोटिवेशन तो एक बेस्ट चीज़ हो गई, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर उस चीज़ को कोई लक्ष्य पाना है तो उसके लिए अंदर से तुम्हें डेडिकेट हो तो वो रियल मतलब अचीव कर ही लोगे उसको। और मोटिवेशन में क्या है कि एक दो लाइन है उनको बताना चाहता हूँ कि भुला के अपने सपनों को जिया तो क्या जिया,
बुला के अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर दम है तो इन्हें पूरा करके दिखा, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, और बोल उस किस्मत को अगर दम है तो इसे मिटा कर दिखा। सर बहुत ही सुंदर लाइन कही है आपने, और आपने अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू सर, आपने भी मुझे मतलब इतना वो किया, उसके लिए धन्यवाद।